नमस्कार, प्रणाम कहना चाहूँगा सारे लोकप्रिय दर्शक को। और जैसा आपने पूछा कि हमारे चार फिल्मों का मुहूर्त हुआ है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब हमने जो प्रोडक्शन हाउस स्थापित किया है उसका मेन उद्देश्य है हमारा कि हम साल में सबसे बढ़िया मनोरंजन सारे दर्शकों तक पहुँचाएँ। हमारा ये सबसे मतलब कहना चाहूँगा कि सबसे जो उद्देश्य जो कहेंगे ये है कि हमें साफ सुथरी फिल्में, साफ सुथरे गाने और ये परोसना है दर्शकों को। सर, चार फिल्में आप कर रहे हैं और इससे पहले बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं, तो मतलब क्या सोच के आप फिल्में कर रहे हैं? एज ए एक्टर स्टार कास्ट क्या है फिल्मों की और कहाँ कहाँ शूट करने वाले हैं, डिटेल चाहिए। देखिए, हम जो ये चार फिल्में कर रहे हैं इसका हमने दो शेड्यूल में डिवाइड किया है। पहला शेड्यूल जो होगा वो 27 दिसंबर से शुरू होगा, ये शायद थाईलैंड में हो। और उसके बाद में फिर जो अगला शेड्यूल होगा ये जनवरी में लगेगा, जनवरी में जो सोनभद्र में होगा यूपी के। तो दर्शक कब तक फिल्म देख पाएंगे आप? दर्शकों तक ये सिनेमा मार्च तक पहुंच जानी चाहिए। और हमारा स्टूडियो के बारे में कुछ बताइए, आपने लोटस स्टूडियो चला है। देखिए, हमने ये जो लोटस स्टूडियो बनाया है इसका जो हमारा उद्देश्य था ये था कि मतलब सारी सुविधाएं, जो भी सुविधाएं हैं हम आपको अंडर वन रूफ प्रोवाइड करें कि मतलब एक छत के नीचे आपको सारा साजो सामान मिल जाए पोस्ट प्रोडक्शन का, कि आप शूट करके आए और यहाँ से हमारे पास से अपना फिल्म रेडी करके ले जाएं। आपको DI के लिए कहीं और, बैकग्राउंड के लिए कहीं और, एडिटिंग के लिए कहीं और, ऐसे मतलब अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ यहीं होगा। और उसके बाद में जो भी प्रीव्यू, हमने 30 सीटों का प्रीव्यू थिएटर भी बनाया है। और जो मतलब जो भी प्रोडक्शन हाउस हमारे यहाँ काम कराएगी वो अपना फिल्म हमारे प्रीव्यू रूम में बैठ के देख भी सकती है और अपने साथ दर्शकों को दिखा भी सकती है। तो ये व्यवस्था हमने की और आगे का जानकारी कुणाल जी देंगे। तो भोजपुरी सिनेमा को कितना फ़ायदा होने वाला है इससे, इसके बारे में कुछ और बता दें। देखिए, हम तो इतने बड़े नहीं हैं कि मतलब ये कह दें कि भोजपुरी सिनेमा को हमसे फ़ायदा होगा। हम भी एक छोटे से ये हैं, बस हम एक जरिया बनना चाहते हैं कि भोजपुरी सिनेमा का जो भी सुधार, जो दर्शकों का डिमांड है वो हम पूरा करने की कोशिश करें, बस हमारा ये छोटा सा ये। कुणाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म का चार फिल्मों का आज मुहूर्त हुआ है और आप एज ए एक्टर भी बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं, तो आज के बारे में कुछ बताइए। जी, अच्छा लग रहा है एक्चुअली। कल से जैसे हमारे यहाँ मानना है कि कुछ शुभ काम करने से पहले, तो आज हमने एक गाना रिकॉर्ड करवाया है। आज चार फिल्म की जो मुहूर्त है, जिसमें मुहूर्त नहीं कहेंगे, एक छोटा सा एक प्रोसेस है। मुहूर्त होता तो शायद बहुत सारे लोग यहाँ होते भी। और अभी जो शूटिंग चालू हुई है लॉकडाउन के बाद, तो ज़्यादातर फिल्में यूपी साइड शूट हो रही हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ अवेलेबल भी नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग का प्यार और जो है आशीर्वाद हमारे साथ है। एज ए एक्टर इनमें से कितनी फिल्मों में आप दिखाई देंगे दर्शकों को? एज एन एक्टर तो मैं सारी फिल्मों में दिखाई दूँगा। तो स्क्रिप्ट पे आपने कितना काम किया है, किस तरह की कहानियाँ हैं फिल्मों की, कुछ इसके बारे में बताया प्रोड्यूसर ने या राइटर ने? जी, जो भी एक्चुअली ऐसा नहीं है, इससे पहले भी जो भी फिल्में मैंने की या हमने बनाई है, तो वो सारी फिल्में जो स्टोरी हो या फिर गाने हो, हम लोग अच्छे पूरा एफर्ट्स लगाते हैं कि वो गाने अच्छे होने चाहिए, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। अभी भी जो हम लोग शूट करने जा रहे हैं, चारों फिल्म की जो कहानी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। स्पेशली एक फिल्म है तू दिया और बातियाँ, तो हम लोग शायद मतलब हमारा एक प्रयास है कि जो फिल्में 80s में बनती थी, जो बहुत ही क्लीन और प्योर फिल्में हुआ करती थी, जो कॉस्ट्यूम से लेके उसके गानों से लेके लोकेशंस सब कुछ बहुत ही देसी और प्योर लगता था। अभी आज के टाइम में जो भी हम लोग करते हैं, और एक तो एक मॉडर्न एरा भी है, जनरेशन गैप्स होते हैं, तो चीज़ें ऑटोमेटिक उसके हिसाब से होती है। लेकिन फिर भी अभी के तुलना में हम 20-30 साल पहले की फिल्म बनाएंगे, वो स्टोरी भी तब की होगी, उसके कॉस्ट्यूम से लेके सारी चीज़ें, जो सेट होगा, जो डिज़ाइनिंग होगी, सब कुछ 30 साल पहले की होंगी। और मेरा मानना है कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा,
क्योंकि वो एक बार कोई देखेगा तो अपने आप को 100% अपने आप से कनेक्ट करेगा। अभी आपने एक स्टूडियो भी ओपन किया है, भोजपुरी सिनेमा के लोग इस स्टूडियो से क्यों जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। स्टूडियो की कुछ खास बातें जो आप बताना चाहते हैं। हमने स्टूडियोज ओपन किया क्योंकि एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना, एज अ फिल्म मेकर ऐसा होता है कि आप कहीं फिल्म देते हैं किसी भी स्टूडियोज में काम करने के लिए, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, तो किसी न किसी चीज़ों की वजह से डिले होती है। जैसे 2 महीने का काम हो तो 5 महीने में होता है। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटीज ये है कि अगर कोई भी बाहर की फिल्में हमारे यहाँ आती हैं तो हम लोग टाइम पे उनका जो है आउटपुट दे सके, ये फर्स्ट प्रायोरिटीज हमारी, मनी सेकेंडरी है। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं बॉम्बे में, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडियोज हैं, तो हमने भी एक प्रयास किया है कि हमारा जो है स्टूडियोज अच्छा हो, हमने ट्राई भी किया है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पॉजिटिव वाइब बहुत ज़रूरी है, आप कहीं भी जाते हैं, स्पेशली हम शो बिज़नेस में हैं तो चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और कहीं कोई जो यहाँ पे आएगा कभी भी, और जो लोग आके जा चुके हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला है हम लोग यहाँ पे। हमने जो है पूरा स्टार्ट टू एंड है, हमारे यहाँ एडिटिंग है, डबिंग है, मिक्सिंग है, हमारे यहाँ 5.1 है, 7.1 है। स्पेशली जो हमने एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम किया है, वो प्रीव्यू डाला है, 35 से 40 लोग एक साथ बैठ के फिल्म देख सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बोला कि आजकल थिएट्रिकल कहीं ना कहीं थोड़ी सी फिल्मों की जो बिजनेस है वो गड़बड़ है, और ज़्यादातर लोग एज अ मेकर फिल्म बनाते हैं और फिल्म देख नहीं पाते हैं, मतलब स्क्रीन पे नहीं देख पाते हैं। तो वो अब हम जो है इजीली वो चीज़ें उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर बहुत ही प्यार और पैसों से फिल्में बनती हैं तो कोई भी फिल्म मेकर हो तो अगर वो फिल्म बनाएगा तो वो यहाँ आके अपनी फिल्म का प्रीव्यू कर सकता है। जो भी थिएटर में जैसे लोग फिल्म देखते हैं वहाँ सारी फैसिलिटीज़ हमने डाली हुई हैं, तो एटलीस्ट अपने लोग तो देख पाएंगे कि हमने क्या मेहनत किया है, फिल्म बनी कैसी। तो यानी कि आपकी फिल्में तो होंगी ही होंगी, दूसरों के लिए भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि मैंने भी देख रहा था तो डिज़ाइन बहुत अच्छा किया है आप लोगों ने स्टूडियो का, तो दूसरों की सिनेमा को भी देखने का एक अच्छा मनोरंजन मिलेगा लोगों को। ऑफकोर्स अभी देखिए हमें लगभग 1 महीने के आसपास हुआ है ओपन करके, तो हमारे यहाँ 2 ही प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन बाहर के 3-4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली कुछ आप अच्छा काम करते हैं तो बाहर से लिए बिजनेस हमने ओपन किया है, तो हम भले हमारा है कि हमारे लिए ही ओपन किया है, लेकिन ऑफकोर्स मेरा मानना है कि हम अगर 15 अपना करेंगे तो 40 बाहर का होगा। अब भोजपुरी सिनेमा म्यूज़िक का बहुत ध्यान रखा जाता है, ज़्यादातर म्यूज़िक अच्छा होता है तो फिल्म हिट कर जाती हैं, तो इन 4 सिनेमा में किस तरह का म्यूज़िक होगा उसके बारे में कुछ बताइए। बात सिर्फ भोजपुरी की नहीं है, किसी भी लैंग्वेज हो, रीजनल हो या फिर हिंदी की भी बात करें, बहुत अभी 90s की बात करेंगे आप, बहुत ऐसे फिल्में एग्जाम्पल्स कि फिल्में जो है म्यूज़िकल ब्लॉकबस्टर हुआ करती थी, स्क्रिप्ट उतना अच्छा नहीं होता था, स्टोरी लाइन उतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन गाने इतने हिट होते थे उसकी वजह से फिल्में बहुत चलती थी। तो आज भी वही है, म्यूजिक ऐसा है कि एक बहुत ही मुझे लगता है एक वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी कहानी में, किसी भी फिल्म को बनाने में। वैसे ही हमारे फिल्म में इससे पहले भी जो हमने फिल्म की है, बनाई है, और अभी भी जो हम बनाने जा रहे हैं या बनाने वाले होंगे, वो सारे फिल्मों का जो म्यूज़िक है हम लोग बहुत ही कॉन्शियस होके और फर्स्ट प्रायोरिटीज पर रखते हैं कि गाने अच्छे होने चाहिए। तो ये 4 फिल्में कब तक कंप्लीट हो जाएंगी? प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि मार्च तक फिल्म आ जाएगी, तो आप क्या मानते हैं? हाँ, हमने मतलब हमारा एक्चुअली हमारे एंड से यही ट्राई है कि फिल्म मार्च तक कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट क्या है, इन शॉर्ट एटलीस्ट 1-2 फिल्म मार्केट में आ जाए। फिल्म हम तो जनवरी में ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट करेंगे, 1st-2nd week तक, बाकी उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन भी आधा टाइम चलते रहेगा। तो कुणाल जी, इसके अलावा और किस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं? अभी तो जैसे अपना तू दिया और बाती हम है, रक्त चरित्र है, काबिल है, फिर अपना मैंने दिल तुझको दिया है, इसके बाद हमारी फिल्म है हीना है, और नैना ठग लेंगे, फिर सुभान अल्लाह, ऐसी काफ़ी फिल्में हैं जो हम लोग करने वाले। और सर, आप कुछ कहेंगे दर्शकों से या स्टार कास्ट जो जुड़ रही हैं उनसे भी कुछ कहना चाहेंगे? हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि दर्शक हमें ऐसे ही प्यार हम पर बनाए रखें और हमें अपनी सेवा करने का मौका देते रहें, ताकि हम ऐसे ही साफ सुथरा मनोरंजन उन्हें परोस सकें। धन्यवाद। थैंक यू।